नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ कृतिका सिंह। इस वक्त आप सीधे लाइव बुलेटिन देख रहे हैं CIA दफ्तर से, जहां पर लगातार लॉरेंस बिश्नोई से पूछताछ की जा रही है। आज का दिन बहुत ज्यादा खास और महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि लॉरेंस बिश्नोई की रिमांड खत्म हो रही है। आज सातवां और आखिरी दिन है, और ऐसे में SIT की टीम, एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स की टीम के अधिकारी लगातार सवालों की बौछार करते हुए नजर आ रहे हैं। और ऐसे में दो बड़े सवाल कि हथियार कहां से आए, और इसके साथ ही कि किस तरीके से शूटर्स ने इस पूरे हत्याकांड को अंजाम दिया। लेकिन इस पूरे मामले को लेकर एक बड़ी जानकारी आपको बता दें, इस वक्त की बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। जिन हथियारों का इस्तेमाल शूटर्स ने किया था, उनके लिंक अब सीमा पार से जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, मूसेवाला की हत्या के लिए जो हथियार हमलावरों ने इस्तेमाल किए थे, उसके तार अब सीमा पार से जुड़ने की आशंका जताई जा रही है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल को पकड़ गए आरोपियों से कई ऐसे संकेत मिले हैं जो इस ओर इशारा कर रहे हैं कि शूटर्स को जो हथियार मुहैया कराए गए थे वो सीमा पार से आए थे। अब दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल सीमा पार से आए हथियारों के नेटवर्क की चेन जोड़ने की कोशिश कर रही है कि आखिर किस तरीके से हथियारों को सीमा पार से भारत लाया गया और फिर इन शूटर्स के हाथ तक भेजे गए। ये बड़ी जानकारी, बड़ा डेवलपमेंट आपको बता रहे हैं इस पूरे मामले को लेकर, क्योंकि पंजाब पुलिस लगातार इसी बात पर जोर दे रही है कि हथियारों की सप्लाई कहां से हुई। हालांकि जानकारी ये भी मिल रही थी कि जो हथियार यूज किए गए थे शूटर्स की तरफ से, उन हथियारों को हरियाणा और पंजाब के बॉर्डर के पास मिट्टी में दबा दिया गया था। लेकिन अब इन हथियारों को लेकर ये बड़ा डेवलपमेंट सामने आ रहा है कि सीमा पार से भेजे गए थे। इस वक्त की बड़ी खबर और अहम जानकारी आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर कि तार अब सीमा पार से जुड़ने की आशंका जताई जा रही है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल जिसने कल 5 गिरफ्तारियां की है, और ऐसे में उन तमाम आरोपियों से पूछताछ की जा रही है, उन्हीं की पूछताछ की निशानदेही पर अब हथियारों को लेकर ये बड़ा बयान, ये बड़ा डेवलपमेंट सामने आया है कि सीमा पार से हथियार भेजे गए थे। लगातार गिरफ्तारी पर गिरफ्तारी हो रही है, और ऐसे में अब ये बड़ी जानकारी। दीपक बिष्ट इस वक्त मेरे सहयोगी मौजूद है, उनका रुख कर लेते हैं दिल्ली से। दीपक आपके पास आएंगे, और इसके साथ ही आनंद तिवारी मेरे सहयोगी मौजूद है, दो सहयोगी मौजूद है। सबसे पहले दीपक, आपका रुख करना चाहेंगे, क्या कुछ अपडेट है, क्योंकि अब सीधे तौर पर यह कहा जा रहा है कि जो हथियार मुहैया करवाए गए थे वो ठीक है। दीपक लौटेंगे आपके पास, आनंद का हम रुख कर लेते हैं। आनंद, देखिए आज का दिन बहुत ज्यादा खास हो जाता है, क्योंकि आज आखिरी दिन है, और ऐसे में इसके बाद अब पेशी भी की जाएगी, रिमांड और लेने की कोशिश की जाएगी। लेकिन आज के दिन क्या कुछ जोर रहेगा लॉरेंस बिश्नोई के सामने सवालों को लेकर? और जी देखिए रितिका, बिल्कुल कल जिस तरह से मानसा की कोर्ट में लॉरेंस बिश्नोई की पेशी होगी, हालांकि अभी तक यह तय नहीं है कि कितने बजे पेश किया जाएगा और क्या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जरिए पेश किया जाएगा या फिर लॉरेंस बिश्नोई को मानसा ले जाया जाएगा, लेकिन पुलिस जाहिर तौर पर आगे रिमांड मांगेगी, क्योंकि अभी पंजाब पुलिस को इन्वेस्टिगेशन जो है काफ़ी ज़्यादा करना है, और ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जिनके जवाब अभी पंजाब पुलिस को तलाशना है। और यही वजह है कि कोर्ट में पुलिस फर्दर आगे रिमांड की जो है वो मांग करेगी। कोर्ट से देखना होगा कि कोर्ट आगे लॉरेंस बिश्नोई की रिमांड पंजाब पुलिस को देती है या फिर वो न्यायिक हिरासत में जाएगा। लेकिन लगातार जिस तरह से शूटर्स की गिरफ्तारी दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने की है, गुजरात से एक एसोसिएट्स को भी गिरफ्तार किया है, तो अब चौतरफा दबाव जो है वह लॉरेंस की जो क्राइम कंपनी है उसके ऊपर बनना शुरू हो गया, और धीरे धीरे जो परते हैं अब वो खुलना शुरू हो गई कि किस तरह से मूसेवाला की कत्ल की साजिश रची गई, किस तरह से 8 बार रेकी गई, नौवें बार में इस प्लान को अंजाम तक पहुँचाया गया, 15 दिनों के अंदर किस तरह से शूटर जो है अत्याधुनिक हथियार लेके, हैंड ग्रेनेड लेके मूसेवाला के घर के और उसके आसपास पहुंचे थे। और बैकअप प्लान भी यह था, कल दिल्ली पुलिस के स्पेशल CP ने कैमरे पे इस बात को बोला है कि बैकअप प्लान के लिए जो हैंड ग्रेनेड थे उनका भी इस्तेमाल होना था, कि अगर AK-47 से वारदात नहीं हो पाए तो हैंड ग्रेनेड से पूरी की पूरी जो गाड़ी है, थार गाड़ी है, उसको उड़ा दिया जाए। बिल्कुल, चौतरफा दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है, और इसके साथ ही लॉरेंस बिश्नोई के वकील ने एक गंभीर और संगीन आरोप यह भी लगाया है कि थर्ड टॉर्चर दिया जा रहा है लॉरेंस बिश्नोई को, जिस तरीके से सख्ती से पूछताछ पंजाब पुलिस कर रही है। लेकिन इसके साथ ही एक्सक्लूसिव और बड़ी जानकारी न्यूज 18 को मिली है, वो ये है कि इस हत्याकांड में जो भी हत्यारे थे, जो भी कातिल थे, वो कोड वर्ड का इस्तेमाल कर रहे थे। और जानकारी ये भी मिल रही है कि हथियारों और इसके साथ ही पैसों को लेकर भी कोड वर्ड की पूरी लिस्ट तैयार की गई थी। यहां तक कि उनकी प्लानिंग ये भी थी कि जब इस हत्याकांड को अंजाम दिया जाए तो पुलिस की वर्दी पहनी जाए। ये रिपोर्ट आप देखिए और समझे कि क्या कुछ एक्सक्लूसिवली इस पूरे हत्याकांड को लेकर न्यूज 18 के हाथ लगा है। मूसेवाला के कातिलों का कोड वर्ड बिश्नोई गैंग, और जेहो नाम का असली आदमी कौन है, ये कहां रहता है,
और इनकी असली पहचान क्या है। पुलिस के पूछताछ में गैंगस्टर संतोष जाधव ने खुलासा किया है कि उससे ये कोडवर्ड दुबई में बैठे विक्रम बराड ने दिया था। ये कोडवर्ड इसलिए दिया गया था ताकि मध्य प्रदेश से हथियारों की सप्लाई की जा सके। बता दें कि मध्य प्रदेश के सेंधवा का नाम इस मामले में सामने आ रहा है। मध्य प्रदेश का सेंधवा वही जगह है जो लॉरेन बिश्नोई गैंग के लिए हथियारों का एक बड़ा गढ़ माना जाता है। यही वजह है कि तमाम एजेंसियां सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में इस एंगल से भी जांच कर रही हैं कि कहीं हत्याकांड में इस्तेमाल हथियार मध्य प्रदेश से तो नहीं। ज्यादातर हथियार विदेश से लाए गए थे। लॉरेंस बिश्नोई के कहने पर उन हथियारों का इंतजाम कनाडा में बैठे गोल्डी बराड ने कराया था। यही नहीं, मूसेवाला की हत्या के लिए जिन शूटरों को काम पर लगाया गया था उन्हें हत्याकांड के लिए सिर्फ टोकन मनी मिली थी। मतलब ये कि खाने पीने का खर्च और शूटरों के ठहरने के लिए उन्हें पैसे दिए गए थे। और इस वक्त एक बड़ी खबर आपको बता दें, कल दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने जिन लोगों की गिरफ्तारी की थी उन्हें जल्द से जल्द पंजाब पुलिस अब पंजाब लेकर आएगी। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको बता दें, इस हत्याकांड को लेकर